दोस्तों, आज के इस युग को अगर हम बीमारियों का युग भी कहते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई बीमारी ना हो। दवाइयां तो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। आजकल हमें दवाइयां लेना आसान लगता है, लेकिन हम कभी बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आजकल इन बीमारियों के बीच बालों की समस्या भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे हेयर फॉल, व्हाइट हेयर प्रॉब्लम, डैंड्रफ और बाल्डनेस। लेकिन आजकल के इन बीमारियों के बीच हम हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम इसे नॉर्मल प्रॉब्लम समझकर बाजार से कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर लेते हैं, जिससे बालों को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दें कि मार्केट में मौजूद हर प्रोडक्ट हमारे लिए गलत नहीं है। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ घरेलू रेमेडीज बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इन बीमारियों के पीछे का कारण पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कारण पता होगा तभी तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, इंक्रीज्ड DHT। दोस्तों, DHT एक हार्मोन होता है जिसके बॉडी में कई तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है तो ये आपके हेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बढ़ने से आपके हेयर फॉलिक्स श्रिंक हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ वीक हो जाती है। धीरे धीरे से आपके हेयर फॉलिक्स ब्लॉक हो जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ऐसा आमतौर पर एडल्ट्स में देखा गया है और हेरिडिटरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर टू, यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। हम सभी लोग तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे पैराबेन, सल्फेट, अल्कोहल, जो कि आपके बालों को डैमेज करते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, स्ट्रेस एंड पुअर न्यूट्रिशन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो फिर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें? मार्केट में तो ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, चूज़ करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप घबराइए नहीं, आखिरकार आपने हमें क्यों सब्सक्राइब कर रखा है? तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ नेचर श्योर का जोंक तेल। ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसकी सिर्फ पैकेजिंग ही चेंज हुई है, लेकिन अब इसमें WND का W भी इंग्रोज्ड है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एंड बेनिफिट्स आज भी सेम ही है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको नेचर श्योर जोंक तेल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव थेरेपी है आपके बालों से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आजकल बाल्डनेस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हर व्यक्ति को बालों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है, जैसे हेयर फॉल, एलोपीशिया एंड पैचेस ऑफ बाल्डनेस। तो जिन लोगों को लीच थेरेपी के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ कि आयुर्वेद में लीच थेरेपी के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। लीच थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपको कई प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। लीच थेरेपी का प्रोसेस काफी सिंपल होता है, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एंड आजकल टाइम मैनेजमेंट का इशू तो सबके साथ होता ही है, इसीलिए हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो हमें लीच थेरेपी के बेनिफिट्स भी दे और वो टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। और अगर देखा जाए तो आजकल टाइम मैनेजमेंट का इशू ही तो सबसे बड़ा इशू है। अगर आप कम समय में बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं तो इस समस्या का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि नेचर श्योर जोंक तेल ही है। तो अगर आप भी किसी सीरियस हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक बाल्डनेस, डैंड्रफ या स्कैल्प इन्फेक्शन, हेयर फॉल से परेशान हैं, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के इतना खास होने के पीछे का कारण इसमें इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, अब इस प्रोडक्ट की न्यू पैकेजिंग की बात करें तो ये आपको एक प्लास्टिक की बोतल में मिल जाएगा। इसकी एक बोतल में आपको 150 ml का तेल दिया जाएगा। इसका इंटेक कैसे करें? हर रोज शाम को सोने से पहले 10-15 मिनट तक अपने सर और बालों की जड़ों में जोंक तेल की हल्के हाथों से मसाज करें। आपको जल्द ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी और आप इसे कहां से बाय कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की MRP है 325 rupees, लेकिन आप इसे और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर Amazon
अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.natureshirt.com से भी आसानी से बाय कर सकते हैं। ये प्राइस इसके फायदों के सामने बहुत ही कम है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाएं, लिंक पर क्लिक करें और बाय करें नेचर श्योर का जोंक तेल। नंबर 3, ओवर एक्सपोजर टू हीट। बहुत सारे लोग ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अधिक देर तक धूप में घूमते हैं या ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। इस वजह से आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। नंबर 4, एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग में मौजूद सॉल्ट आपकी स्कैल्प में जम जाता है और आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, स्वेट में एक लैक्टिक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है जो आपके बालों के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और उनको डैमेज करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के घरेलू सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स में मेथी के दाने आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। मेथी के छोटे से दाने में विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। मेथी के दाने में कई गुण हैं जो बालों की अच्छी ग्रोथ और स्कैल्प रिपेयर के लिए जरूरी है। इंडियन आयुर्वेद में तो बरसों से इसका यूज बालों को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है। मेथी का यूज मोस्टली हर लेडी किचन में जरूर ही करती होगी। मेथी के दाने जितने छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। मेथी का यूज हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए भी मेथी बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए अगर मेथी को मसालों का राजा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब मेथी के दानों पर थोड़ी और स्टडी करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप इसे अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ के साथ साथ ग्लोइंग और हेल्दी स्किन भी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको मेथी के दाने, नींबू का रस और कोकोनट मिल्क की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच मेथी दाने रात को भिगो कर रख दें। अगले दिन भीगे हुए मेथी दानों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच नींबू का रस और कोकोनट मिल्क मिला लें। मेथी हेयर मास्क तैयार है। आप अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाएं। इसे 20 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें और बालों की मालिश करें और फिर शैम्पू से धो लें। इस तरह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि जो तरीके इस वीडियो में हेयर फॉल और स्किन एलर्जीज को रिड्यूस करने के लिए बताए गए हैं वे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप आसानी से बिना कुछ किए इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपके लिए नेचर श्योर जोंक तेल सबसे बेस्ट है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।